नमस्कार और आपका स्वागत है मोबाइल्स एंड गैजेट्स के एक और हैपनिंग एपिसोड में। मैं हूँ चाणक्य भाटिया और मैं हूँ अलका। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे एपिसोड में है बहुत कुछ खास। एग्जॉस्टिव रिव्यूज है, प्रोडक्ट्स के नई नई टेक्नोलॉजीज है, और क्या खास है चाणक्य? वेल, इस हफ्ते हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं उसका दे रहे हैं फर्स्ट हैंड रिव्यू। बिल्कुल, ज्यादा जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि शो की हेडलाइंस में क्या है खास। सोनी वायो फ्लिप 13N में क्या है नया? डेल वेन्यू सीरीज टैबलेट्स को जानेंगे इन एंड आउट। अपकमिंग फोन जियोनी ईलाइफ E7 में क्या है खास? बच्चों के लिए नया टैबलेट एडी। ऐप बताएगा आपका भविष्य। और साथ ही बताएंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया। CS 2014 में सोनी ने अनवेल किया था वायो फ्लिप सीरीज। इस सेगमेंट जो कि है टैबलेट कम लैपटॉप सेगमेंट, कई कंपनीज इस साल उतरने वाली हैं इस सेगमेंट में, जो कि काफी हैपनिंग होने वाला है। अभी हमारे पास है सोनी का वायो 13N, तो चलिए इसको जानते हैं हम इन एंड आउट। वायो फ्लिप 13N के लुक्स के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट की USP इसका डिजाइन है, जो स्लीक एंड स्टाइलिश होने के अलावा आपको इट्स डिफरेंट की फील तो जरूर देगा। वायो फ्लिप 13N का की फीचर है इसका हिंज मैकेनिज्म। मॉडल का लिड कवर दो पार्ट्स में स्प्लिट होता है। टॉप सेक्शन में डिस्प्ले है, जबकि बॉटम हाफ इज कनेक्टेड टू द कीबोर्ड। आपको लैपटॉप मोड से टैबलेट मोड में एंटर करने के लिए टॉप हाफ को हल्का सा पुश करने की जरूरत है। ये हिंज मैकेनिज्म हमें काफी स्मूथ और इजी टू यूज लगा। 13-inch वायो फ्लिप हाइब्रिड लैपटॉप ब्रश्ड एल्यूमिनियम और मैट प्लास्टिक का बना है। पोर्टेबिलिटी की बात करें तो वायो फ्लिप 13N मार्केट में अवेलेबल बेस्ट मॉडल्स में शुमार होगा। 13-inch के इस मॉडल का वजन है 1.3 kg, जो कैरी करने में काफी आसान है। कीबोर्ड बैकलिट है और टाइपिंग इज कम्फर्टेबल। ट्रैक पैड भी बड़ा है और रिस्पॉन्सिव है। F13N सिल्वर और ब्लैक दोनों कलर्स में अवेलेबल है। सोनी के इस 13-inch टच स्क्रीन मॉडल में ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो सोनी के टीवी सहित स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स में है। चलिए इस ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले में वीडियो की क्वालिटी चेक कर लेते हैं। चिपक चिपक के चलती है कभी कभी तो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे के लगा हो जैसे दम, डबल डबल होती थी जो कभी कभी तकलीफें, लुक्स के अलावा मल्टीटास्किंग इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वायो फ्लिप 13N में आपको मिलेगा 4th जनरेशन इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, क्लॉक्ड एट 1.6 GHz एंड 4GB रैम। लैपटॉप के दोनों साइड्स में स्पीकर्स हैं और अनलिमिटेड म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए ज़ाइव भी मिलेगा, जो यूज करने में काफी आसान है। लेट्स चेक द ऑडियो क्वालिटी। ऑडियो क्वालिटी इज गुड, जिसके लिए एक्स लाउड फीचर काफी हद तक जिम्मेदार है। लैपटॉप में विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिस्प्ले काफी टच रिस्पॉन्सिव है। मल्टीमीडिया फीचर्स में कैमरा काफी मायने रखता है और इस कन्वर्टेबल लैपटॉप में आपको मिलेगा 8 MP रियर कैमरा, जिसकी इमेज क्वालिटी इज डिसेंट एंड कलर्स आर क्वाइट गुड। लैपटॉप में लगभग 7 घंटे का बैकअप मिलेगा, विच इज नॉट बैड। कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो इसमें है 2 USB पोर्ट, HDMI और SD कार्ड स्लॉट। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो चार्जिंग अडाप्टर में डेडिकेटेड USB पोर्ट आपको मिलेगा फॉर क्विक स्मार्टफोन चार्जिंग। स्लीप एंड चार्ज टेक्नोलॉजी की मदद से आप फ्लिप के शटडाउन होने पर भी स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। सोनी वायो फ्लिप F13N की कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, जो हमें ज्यादा लगा। एज एन फीचर लोडेड होने के साथ साथ ये लैपटॉप आपके पॉकेट पर भी काफी भारी है।
अब बारी है इस 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जानने की। हमने सबसे पहले बात की थी इसके डिजाइन और लुक्स के बारे में, तो इसके लिए आपको इनोवेटिव डिजाइन के लिए तो फुल मार्क्स देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया फीचर्स जिनसे हमें कोई शिकायत नहीं है। और हाँ, कंपनी ने अट्रैक्ट करने के लिए और भी बहुत सारी स्कीम्स दी हैं, जैसे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री 13,000 का हेडफोन मिल रहा है, EMI स्कीम्स है, इसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी की भी स्कीम है जो कि लिमिटेड टाइम तक ही है, लेकिन कंपनी दे जरूर रही है ताकि आप आए और 1 लाख रुपए का ये लैपटॉप खरीदें। लेकिन अभी भी यही सवाल उठता है कि क्या आप इतना महंगा लैपटॉप खरीदेंगे या फिर जाएंगे किसी और ब्रांड की तरफ। अपकमिंग मोबाइल्स की बात करें तो मार्केट में जल्द आने वाला है जियोनी का Elife E7 स्मार्टफोन। हमें मौका मिला इस फोन का फर्स्ट लुक देखने का, तो चलिए नजर डालते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस पर। स्पेसिफिकेशंस को देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर लगा हमें इसका 16 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस कैमरा विद LED फ्लैश और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो ज्यादातर हाई एंड फोन्स का मेन कैमरा होता है। आगे हाई एंड ब्रांड्स भी अपने फोन्स में इसे कैरी कर सकते हैं। कंपनी का दावा है कि मार्केट में अवेलेबल बेस्ट कैमरा आपको इस फोन में मिलेगा, तो चलिए इस फोन के 16 मेगापिक्सल कैमरा से खींची हुई पिक्चर्स पर एक नजर डालते हैं। और कंपनी के दावे को और पिक्चर क्वालिटी को देखते हुए हम इसे देते हैं थम्स अप। एक्सटीरियर लुक्स की बात करें तो 5.5 इंच TFT LCD डिस्प्ले है विद 1080 पिक्सल्स रेजोल्यूशन। स्क्रीन काफी शार्प है और प्रोटेक्शन के लिए इसमें गोरिल्ला ग्लास 3 का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो क्वालिटी अच्छी है और कलर्स शार्प है। सैमसंग फोन की तरह इसमें भी ग्लॉसी प्लास्टिक बॉडी मिलेगी जो स्टर्डी एंड सॉलिड तो लगती है, लेकिन साथ ही फिंगरप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। Elife E7 स्लिम एंड ट्रिम फॉर्म फैक्टर में नहीं है, इट इज 9.7 mm थिक, लेकिन इसे हम बल्कि नहीं कह सकते। फोन में Snapdragon 800 चिपसेट है, यानी मल्टीटास्किंग के लिए क्वाड कोर 2.5 GHz प्रोसेसर विद 3GB रैम मिलेगा। Elife E7 Android 4.2.2 जेली बीन पर बेस्ड है विद अमीगो 2.0 जो जियोनी का स्पेशल UI है जिसमें कस्टमाइज्ड एप्लीकेशंस एंड विजेट्स हैं। फोन में 16GB और 32GB की इंटरनल स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। फोन में 2500mAh बैटरी है और ये ब्लैक, व्हाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीन, येलो और ऑरेंज कलर्स में अवेलेबल होगा। कंपनी के अनुसार फोन की कीमत लगभग 27,000 रूपए और 30,000 रूपए है। चाणक्य ने तो आपको Elife E7 के स्पेसिफिकेशन से मिलवा दिया और अगर इन पर नजर डाले तो काफी इम्प्रेसिव है। खास तौर से कैमरा फीचर्स और कैमरे की जो रेजोल्यूशन है वो काफी हमें इनोवेटिव लग रही है, लेकिन क्या E6 की सफलता को E7 दोहरा पाएगा और कितना सफल हो पाता है अपने प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे काफी ब्रांडेड फोन्स भी मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। वेल, ये सब तो हम आपको तब बता पाएंगे जब हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे। मोबाइल्स एंड गैजेट्स में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और रिमोट को हाथ बिल्कुल नहीं लगाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम जानेंगे डेल वेन्यू सीरीज टैबलेट्स को जानेंगे इन एंड आउट, बच्चों के लिए नया टैबलेट एडी, ऐप बताएगा आपका भविष्य और साथ ही बताएंगे देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी में क्या है नया।